जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या और बाबरी मस्जिद का फैसला अभी कोर्ट में बाकी है और 25 नवंबर को अयोध्या में एक बड़ी भारी धर्मसभा होने जा रही है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि वहाँ सेना की तैनाती होना जरूरी है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे और ना विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि इस धर्मसभा में भाजपा और उससे जुड़े संगठन कुछ भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में के विधानसभा चुनावों के चलते पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए वहां के दौरों में लगे हुए हैं। विगत दिनों उन्होंने पन्ना में एक सभा के बाद मीडिया को ये बात कही कि अयोध्या में सेना तैनात होना बहुत जरूरी है ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। संघ विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना एक बड़ी धर्मसभा 25 नवंबर को अयोध्या में करने जा रहे हैं। इसमें आरएसएस धर्मसभा में जन समुदाय को इकट्ठा करने से लेकर आयोजन को मुख्य रूप से देख रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद एक्शन के नेता इखलाक के नेतृत्व में एक दल ने डीएम डॉक्टर अनिल कुमार को एक ज्ञापन सौंपकर ये बोला कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएं ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। अभी आपने देखी खबर एसएस की एक रिपोर्ट।